जगाधरी रेस्ट हाउस में भाजपा युवा मोर्चा की हुई जिला स्तरीय बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में युवाओं को बढ़ चढ़कर भागीदार बनने का किया आह्वान। जगाधरी रेस्ट हाउस में भाजपा युवा मोर्चा की जिला स्तर की एक बैठक भाजयुमो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रणदीप कुमार संदीप गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री जनक पोपली रहे। बैठक में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि युवाओं ने ठान लिया है कि 2019 में दोबारा से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री ही भारत देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण नीतियों का हर वर्ग लाभ उठा रहा है। जिला प्रभारी ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव हरियाणा प्रांत के सभी मंडलों में आगामी दिनों में प्रवास पर रहेंगे तथा हर युवा कार्यकर्ता से रूबरू होंगे। जिला अध्यक्ष संदीप गुर्जर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वल योजना, सक्षम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बढ़ चढ़कर युवाओं को भागीदार बनने का आह्वान किया। देखिए, 2019 चुनाव का आगाज होने जा रहा है। युवाओं का भाजपा युवा मोर्चा में युवाओं का बड़ा अहम रोल रहता है पार्टी के संगठन में, पार्टी में। आज की जो बैठक रखी गई है भी हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर तक वन बूथ टेन यूथ पार्टी को मजबूत करने के लिए। अगर हमारा मंडल मजबूत होगा तो हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएगा। हमारी मंडल की पूरी टीम की संरचना हुई हुई होगी। हमारे महामंत्री, पूरे उपाध्यक्ष, सचिव, पूरी मंडल कार्यकारिणी की टीम अगर बनी हुई होगी तो हमारा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर आराम से बूथ स्तर पर काम कर सकता है। इसलिए ये जो बैठक रखी गई थी मंडल की संरचना को लेके और मंडल को मजबूत करने के लिए ये बैठक रखी गई। देखिए, हमारे 2019 के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपने देखा ही होगा 18-18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। वो प्रधान सेवक, वो खुद को कभी प्रधानमंत्री नहीं कहते, वो प्रधान सेवक है। वो ना राज करने आए हैं, वो सेवा करने आए हैं। मोदी जी देश सेवा करने के लिए आए हैं। उन्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ना पैसा कमाने से मतलब है, ना उन्हें दलाली करने से मतलब है। आप 2019 चुनाव की बात करिए, ये लोकसभा चुनाव की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उसी विषय पे मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को लेके। उसके बाद मैं आपसे विधानसभा की भी बात करता हूँ। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जनता के बारे में सोचते हैं। 24 घंटे उनका एक ही टारगेट होता है भी जनता का कैसे, समाज का कैसे फ़ायदा किया जाए, किसान का कैसे फ़ायदा किया जाए, गरीबों का कैसे फ़ायदा किया जाए, व्यापारियों का कैसे फ़ायदा किया जाए। सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे जो हरियाणा के ये मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी हैं, बड़े ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अगर ईमानदार मुख्यमंत्री, अगर आज तक का पूरा इतिहास मुख्यमंत्रियों का निकाला जाए तो मनोहर लाल जी से ईमानदार कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं है। उन्हें भी सेवा से मतलब है। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी को सेवा करने से मतलब है, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक ही लक्ष्य है भी जनता का भला कैसे हो, समाज का भला कैसे हो, वैसे ही वो सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया, कितना उन्होंने विकास किया। अगर रोज़गार दिया तो सारा का सारा रोज़गार रोहतक में बांट दिया, अगर विकास किया तो सारा का सारा विकास रोहतक का किया। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के बारे में सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास, समान रोजगार सबका अधिकार। बसपा इनेलो का गठबंधन, देखिए बसपा का गठबंधन इनेलो के साथ ये स्वार्थी गठबंधन है, ये अपने स्वार्थ के लिए हुआ है। जो बसपा पार्टी है उनका जो, देखो हरियाणा में कोई इतना लंबा कार्यकर्ता नहीं है, उनका जो कार्यकर्ता वो सोच प्रधानमंत्री के लिए अपने। और चौटाला साहब को ये है, अभी मेरे को इनकी जो पार्टी का थोड़ा बहुत वोट बैंक है 3-4%, ये मेरे को विधानसभा में मिल जाए। अगर लोकसभा विधानसभा इकट्ठे ना हुए तो ये गठबंधन पहले ही टूट जाएगा।